देख रहे हैं सीरी मैम न्यूज़। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 1908 नए मामले आए सामने। इस दौरान 6,717 लोग हुए डिस्चार्ज और 140 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 41,214। यूपी के 20 जिलों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, अन्य में आंशिक ढील। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू को एक और सप्ताह के लिए यानी 7 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि राज्य में कोविड की स्थिति में सुधार होने पर प्रतिबंधों में आंशिक रूप से ढील दी गई है। उत्तर प्रदेश में शादी समारोह में करंट लगने से 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर इलाके में एक शादी समारोह के दौरान एक तंबू के खंभे के हाई टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आने से नीचे खड़े 4 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। इस हादसे में 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। दोहरा हत्याकांड में शामिल आतंकवादियों की पहचान उजागर। जम्मू कश्मीर पुलिस दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में दोहरे हत्याकांड में शामिल आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। इसकी जानकारी पुलिस ने रविवार को दी। यूपी के 21 कैदियों ने पेरोल लेने से किया इनकार, जेल में सुरक्षित। उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद लगभग 21 कैदियों ने जेल के अंदर सुरक्षित महसूस करने के कारण पेरोल लेने से इनकार कर दिया। सामने आई मेहुल चौकसी की नई तस्वीरें, शरीर पर चोट के निशान। भगोड़े व्यवसायी मेहुल चौकसी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें उनके चेहरे और कंधों पर चोट के कई निशान दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के दौरान जब जूनियर डॉक्टरों की हुई अग्नि परीक्षा, कुछ कठिन अनुभव। मेरी ड्यूटी के पहले दिन ही एक संक्रमित महिला की मौत हो गई जिसे मैं बचा नहीं सका। आज तक उस मरीज का नाम नहीं भुला सका हूँ। पहले एक दिन ऐसा अनुभव करना पड़ेगा ये सोचा नहीं था। शायद उस दिन मेरी किस्मत खराब थी। 27 वर्ष से डॉक्टर विनोद चौहान जूनियर डॉक्टर ने कुछ इस तरह की अपने करियर की शुरुआत। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर 1,00,000 गांवों में सेवा कार्य करेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा आज ही के दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए 1,00,000 गांव और बस्तियों में सेवा कार्य करेगी। क्या पंजाब कांग्रेस के विवाद को सुलझा पाएगी खड़गे कमेटी। कांग्रेस ने पंजाब कांग्रेस में मुद्दों को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या वे कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे मजबूत मुख्यमंत्री पर जीत हासिल कर पाएगी। गुटबाजी खत्म करने के लिए पंजाब कांग्रेस के विधायक दिल्ली तलब। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए गठित की गई 3 सदस्य कमेटी ने 25 विधायकों को सोमवार को दिल्ली में तलब किया है ताकि वे पंजाब में जारी खींचतान पर अपना फीडबैक ले सके। प्रियंका ने यूपी के लिए भेजी 10,00,000 मेडिसिन किट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपना सेवा सत्याग्रह शुरू किया है, जिसके दौरान पार्टी कार्यकर्ता पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वोड्रा द्वारा भेजी गई लगभग 10,00,000 दवा किट वितरित करेंगे। योगी के कोविड प्रबंधन को लेकर यूपी बीजेपी नेताओं में बेचैनी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद सत्यदेव पचौरी, यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा सांसद कौशल किशोर और राजेंद्र अग्रवाल, विधायक दीनानाथ भास्कर, दलवीर सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह और संजय प्रताप जायसवाल, एमएलसी राजकुमार अग्रवाल, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। मैं व्यक्तिगत मुद्दों को ज़्यादा महत्व नहीं देती। मिताली भारतीय महिला टेस्ट
और वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने टीम के मुख्य कोच रमेश पवार के पिछले कार्यकाल के दौरान उनके साथ हुए मतभेद को लेकर कहा कि वे इस घटनाक्रम से आगे बढ़ चुकी हैं और व्यक्तिगत मुद्दों को ज्यादा महत्व नहीं देती हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 1066 नए मामले आए सामने। इस दौरान 1327 लोग डिस्चार्ज हुए, 22 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। कुल सक्रिय मामले 27,322 हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो महिलाओं ने कोविड वैक्सीन की 29 शीशियों को बिना इस्तेमाल के फेंक दिया और पोर्टल में पंजीकृत कर दिया। अलीगढ़ के सिविल लाइन्स के सीईओ ने बताया, हमें सीएमओ कार्यालय से शिकायत मिली थी, दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, मामले में जांच जारी है। मध्य प्रदेश हनी ट्रैप क्लिप पेन ड्राइव में होने के दावे पर एसआईटी जा सकती है कमलनाथ के पास। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप कांड के जरिए एक बार फिर सियासत गर्मा चली है। वजह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वह बयान है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हनी ट्रैप कांड में फंसे कई नेताओं के चेहरे उनके पास मौजूद एक पेन ड्राइव में मौजूद है। उनका ये बयान आने के बाद से सत्ताधारी भाजपा उन पर लगातार हमले कर रही है। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।